अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदि मार व्लॉग्स और मैं हूं आदि मार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा ये चैनल काफ़ी दिनों से बना हुआ, मतलब कि इसे 1.5-2 माह हो चुके हैं और मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और मेरा वॉच टाइम भी गिर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आगे प्रमोट करवाएं, मेरी हेल्प करें और मेरा वॉच टाइम पूरा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जब मैं अपना चैनल बनाऊंगा तो दुनिया पर छा जाऊंगा, लेकिन बंदा मसरूफ़ हो जाता है, टाइम नहीं दे पाता, इधर उधर के कामों में लग जाता है और इस तरह फिर काफ़ी मसरूफ़ होने की वजह से इसका टाइम पूरा नहीं हो पाता और ऊपर से पीछे से ईमेल भी आ जाता है कि आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा और आपके सब्सक्राइबर भी रुके हुए हैं, आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, टाइम दे देते हैं इतने माह में, इतने इतने माह में आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं, लेकिन मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा। मेरी आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जिस तरह हर किसी का दिल चाहता है कि मैं भी सोशल मीडिया पर आऊँ, अपना चैनल बनाऊँ, इस तरह मैंने भी अपना चैनल बनाया और इस पर वर्क कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा वर्क को आगे तेज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि मेरी समझ के वीडियो या मेरा चैनल आगे बढ़ता रहे, जिस तरह दूसरों लोगों के चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा चैनल आगे बढ़े। हर कोई चैनल अपना बना सकता है, जिस तरह वो यूट्यूब अपना खोलता है या कोई उसका अकाउंट बनाता है तो ऑटोमेटिक उसका चैनल आधा पहले ही बन चुका होता है और आधा उसकी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो इस तरह उनका चैनल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उस पर वर्क करना पड़ता है। यह है कि बंदा अपनी गफलत की वजह से टाइम नहीं दे पाता और इस तरह काफ़ी पीछे से मैसेज आ जाते हैं ईमेल वगैरह के, यूट्यूब के, कि अपना चैनल को टाइम दो, अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा करो, लेकिन बंदा मसरूफियात वगैरह में फंस जाता है, मुश्किलात वगैरह भी आ जाती हैं, इस वजह से टाइम नहीं दे पाता। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम जिस तरह आदि मार व्लॉग्स प्लस जॉब्स इंफॉर्मेशन है और मैंने इसका लिंक काफ़ी जगहों पर अपना अप्लाई भी किया, जैसे कि फेसबुक हो गया, टिकटॉक वगैरह, इस तरह पर मैंने अपना लिंक वगैरह भेजा है। कोई भी अगर व्यूअर्स दोस्त उस वहां पर जाकर मेरा लिंक वगैरह खोल सकता है और मेरा चैनल में आ सकता है और सब्सक्राइब भी कर सकता है। अगर आप मेरा चैनल खोलते हैं तो वीडियो को ज़रूर खोलें, लाइक भी करें और उनका वॉच टाइम भी पूरा करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको फुली सपोर्ट करूंगा। यह है कि बंदा हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं भी सोशल मीडिया पर आऊं, काम करूं, लोग मुझे देखें, पहचानें, मैं भी आगे बढ़ूँ, दुनिया में काम करूँ, नाम कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई नहीं है कि ख्वाहिश, बस ये है कि अपनी रेपुटेशन, अपनी समझे कि शोहरत वगैरह को बढ़ाने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है ताकि लोग भी हमें देखें, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है। इस तरह के मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी मैं जॉब्स इंफॉर्मेशन के मुतलक बनाता हूँ, कभी मैं व्लॉग्स के मुतलक बनाता हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। यह है कि बंदा कोशिश करता रहे करता रहे, आखिर एक दिन ऐसा आता है वो कामयाब हो जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिस तरह बंदा उन कोशिश करता रहता है फिर कामयाब हो जाता है, इस तरह मैं भी अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरा चैनल अभी नया नया स्टार्ट हुआ है और मैं इस पर वर्क तेज़ी से कर रहा हूँ। यह है कि बंदा बस थोड़ी सी गफलत वगैरह आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर आएँ, मेरे चैनल को खोलें और मुझे सपोर्ट करें। अगर कोई कमी वगैरह रहती है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। आप मुझे कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, मेरी
कोई गफलत होती है या कोई कमी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, सेट करूँ और अपने अपने गोल जो मैंने पहले से सेट किया हुआ उसे मैं चेज करने की भरपूर कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे फुल सपोर्ट करेंगे और मुझे आगे बढ़ने के लिए भरपूर मुतवज्जा करेंगे और मुझे अच्छे से राह पर चलने की तनकीन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। यह कि मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर जाऊँ, वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। देहात वगैरह में अगर आप कैमरा वगैरह लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं इसे क्या हो गया है, हमारी वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है, इसे रोको। और तो और आप वीडियो क्या आप तो बाहर जेब से मोबाइल निकालें और कैमरा खोलें तो ये भी बहुत मुश्किल है। वो आप तो वीडियो बना भी नहीं सकते और तो और कैमरे को ऑन भी नहीं कर सकते। किसी जगह का इस तरह का माहौल होता है वहाँ पर आप मोबाइल भी बड़े मुश्किल से निकाल पाते हो। ये कि शहर वगैरह में आम होता है कि व्लॉगिंग वगैरह करना, हर जगह देखते हैं कि वहाँ पर जर्नलिस्ट होते हैं, कैमरामैन खड़े होते हैं, हर तरफ वीडियो बन रही होती है, वीडियोग्राफिंग हो रही होती है, फोटोग्राफिंग हो रही होती है, लेकिन इस तरह का यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से सोशल मीडिया पर आ तो जाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते, और वो कोशिश करते हैं कि इस तरह और भी वीडियो बने, लेकिन यहाँ का माहौल इस तरह नहीं होता, इजाज़त नहीं देता है कि यहाँ पर वीडियो बना सकें। यह है कि आपने अपने काम को छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। बहुत से लोग कहेंगे ये गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, लेकिन एक वक्त आएगा वो लोग यही कहेंगे इसने क्या काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, वो कल को आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरह कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, अपने गोल को अचीव करना चाहिए। ट्राई ट्राई अगेन, जिस तरह की स्टोरी बनी हुई है कव्वे की, इस तरह की कोशिश करते रहना चाहिए, आखिरकार आप ऐसा वक्त आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। अपने गोल को अचीव करने की भरपूर कोशिश करें, किसी से मत डरें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन टाइम लगता है, काफ़ी भी लग जाता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। यह है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कदम पर कदम बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई कमी बेची रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो को किस तरह सेट करूं, इम्प्रूव करूं, किस तरह व्लॉगिंग करूं, किस तरह जॉब्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन दूं। यह कि मैं नया नया इस प्रोजेक्ट पर आया हूँ, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा नहीं है मैं, लेकिन इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और अपने आप को अपने चैनल को सेट करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और हो सके तो मेरे चैनल को आगे प्रमोट करवाएं, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।